सुरुचि ने ध्रुव को देखा, ध्रुव ने सुरुचि के पहले पैर छुए, उसके बाद में सुरुचि से मिले। सुरुचि ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है। ध्रुव ने कहा, हे माँ, अगर तुम ऐसा व्यवहार नहीं करती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, वो तारा है ध्रुव का, वो मेरे नाम कर दिया है। भगवान ने मुझसे कहा कि 36,000 वर्ष राज करने के बाद में और तुम मेरे लोक में आओगे। अगर आप जैसा नहीं करती तो ये सब मुझे नहीं मिल पाता। तो आप ही गुरु है, आप ही ने कहा, चाहे कैसे भी कहा कि जाओ भगवान का भजन करो। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु, कहा तो क्रोध करती थी, द्वेष करती थी और आज प्रेम कर रही है। तब कहा कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी की कृपा हो जाती है। अगर सबकी कृपा प्राप्त करनी हो ना तो भगवान की कृपा प्राप्त करें। एक दिन उत्तम जंगल में गया, यक्षों ने उसे मार दिया। उत्तम की खोज में सुरुचि गई और सुरुचि भी पुत्र के वियोग में खत्म हो गए। ध्रुव को राज्य देकर के उत्तानपाद जंगल को तपस्या के लिए चले जाते। ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति की ब्राह्मी नाम की कन्या से ध्रुव जी ने विवाह किया। उसमें कल्प और बत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न किए। दूसरी स्त्री बायु की कन्या इला से ध्रुव जी ने विवाह किया और 36,000 वर्ष राज्य करके अपने पुत्र को राज्य दे करके ध्रुव बद्री नारायण में तपस्या के लिए चले जाते हैं। तपस्या करते करते 36,000 वर्ष पूरी होती है, तब स्वयं मृत्यु उनके सामने आती है और सिर नवा करके कहती है, महाराज, आपका जाने का समय हो गया है, आप जाए। मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव विमान में बैठे और भगवान के धाम को जाते हैं। ध्रुव को रास्ते में याद आती है कि मेरी माँ को अकेला छोड़ करके बेचारी बिलकती होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूतों ने कहा, क्या बात है। ध्रुव ने कहा, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ करके आया, जिस बेचारे ने मेरे ऊपर आजीवन भर संकट झेले, आज उसी को छोड़ करके मैं धाम को जा रहा। दूतों ने कहा, आगे देखिए, आगे माता सुनीति का विमान जा रहा,
माता के विमान को देख करके आगे द्रव प्रसन्न हुआ और दोनों अपने धाम को गए। भगवान का गुणगान करते हुए हरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। Thank you.
Thank you.
ये फूल यहाँ चढ़े चढ़ाए यहाँ फेंकने के का ना एक बात तुम्हारे दिमाग में ना महाराज जी समझा रहे हैं बुझा रहे हैं पर कोई ख्याल तो नहीं आयो। इतने जो माला चढ़ी चढ़ाई है गले में डरी डराई नीचे डरी डराई तो के दोनों तरफ भगवान के लिए ताजे फूल सही फूल होना चाहिए जो चढ़े चढ़ाए रोने रोनाए फिटे फेंकाए तुम्हारी थारी में ना ऊंचे थे रोटी डाल दी जाए ना क्या फेंके दे जाए ना तुम्हें कैसा लगेगा। परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो भाव रखो भाई श्रद्धा के सुमन अर्पण करो फेंक करके कोई चीज अर्पण नहीं होती सही हो पवित्र होना चाहिए। भाग राजपति नमः।
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम मां वैष्णवाभ्यो नमः, ओम वाणी नारायणाभ्यो नमः, सजीव वृंदाभ्यो नमः, मात प्रदक्षिण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो, इष्ट देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे तीर्थेभ्यो नमः, सर्वे ब्रह्मणेभ्यो नमः, ओम एतत् करो वरदानगाते देवेभ्यो नमः, पुनर्वधीर्मायरस्तु ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तमम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें और भगवान का गुणगान करें। जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम।
पंडितो बहुमन्यत यदर्ता कलेशदाग्रह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ध्रुव के बाद में उनके पुत्रों का राज्य हुआ, पुत्र का जन्म होता है बैनु। बैनु बड़ा दुष्ट आत्मा था, इतना अत्याचार करता था, वो किसी देवी देवता को, मर्यादाओं को, नियम संयमों को नहीं मानता था। उसके आतंक से उसका पिता अंग जंगल में भगवान की भक्ति के लिए चला गया। बैनु का राज्य हुआ और सबसे कहा, इस राज्य में कोई भी देवी देवताओं का, भगवान का पूजा पाठ नहीं करेगा, यज्ञ भी करेगा तो केवल मेरे नाम से अनाज देना बंद कर दिया। ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने सोचा, इस पापी के लिए हम भजन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। उन्होंने क्रोध में आकर के बैनु को श्राप से मार डाला। अब राजा ना होने के कारण संसार में, राज्य में अराजकता फैल जाती है, चोर लुटेरे बढ़ जाते हैं, किसी का भय नहीं रहता। ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने बैनु के शरीर का मंथन किया। काक कृष्ण हो अति ह्रस्वांगो रस बाहुर महाहनो ह्रस्व पान मन्नाना सा पयो रक्तास्त्राम्र ओर्दज। बैनु के शरीर का मंथन किया, उसमें से एक काला पुरुष निकलता है। मनुष्य के शरीर में अगर पाप है, मनुष्य पापी है, तो उस पाप रूप धारण करके उसके पुत्र के रूप में आता है। एक काला पुरुष निकला, सबने निषेध निषेध कहा, उसे निषेध किया, उसका नाम निषाद रखा। फिर मंथन किया, इसम विष्णोर भगवतम कला भवन पालिनी ययम चलक्षम व्यासं व्रते पुरुषम स्थान पायनी। दोबारा मंथन किया तो उसमें से एक पुरुष और एक स्त्री दोनों प्रकट होते हैं। ऋषियों ने उस पुत्र का नाम पृथु रखा और उस लड़की का नाम अर्चना रखा। दोनों की शादी हुई और सबने कहा, आप राज्य करें, राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु धरती बीजहीन हो गई, अब राज्य में अनाज की उत्पत्ति नहीं होती थी। पृथु भगवान की का ही अवतार है, उन्होंने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी पर क्रोधित हुए। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके और वहां से भागना आरंभ किया। पृथु ने उन्हें रोका, तब कहा,
महाराज आप तो सर्वशक्तिमान है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। पृथ्वी ने कहा यज्ञ में इंद्र ने उनके घोड़े को चुराया, उसके पुत्र ने उसको पहचान करके इंद्र को पकड़ लिया, मारने को तैयार हुए। भगवान आते और कहते हैं प्रथो ये इंद्र है, ये मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी यज्ञ वैसे ही पूर्ण है। उन्होंने भगवान ने उनको ज्ञान दिया, सनकादिकों ने उन्हें ज्ञान दिया। भगवान से प्रथु ने कहा हे महाराज आप मुझे वरदान देवे, आपकी भक्ति जैसे मनुष्य एक कान से सुनता है, आपकी भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुनने की शक्ति 10,000 कानों की शक्ति मुझे आप प्रदान करें। भगवान ने उन्हें वरदान दिया। प्रभु ने धर्म का साम्राज्य चलाया और समय आया अपने पुत्र को राज दे करके अपने कल्याण के लिए जंगल में चले जाते हैं। पहले ऐसे प्रथा थी, घर गृहस्थी का काम करके भोग करके, राजा है तो राजपाट भोग करके और पुत्र उसके योग्य हो जाते, कहा जाता है। संत कहे यस नीत दशानन, चौथे पन में सभी जंगल के लिए चले जाते, तपस्या के लिए चले जाते। जंगल में जाकर के उन्होंने भगवान का भजन किया। प्रभु का समय आया, अपने धाम को गए। उनकी पत्नी अर्ची सती होकर के पति के साथ में पति धाम के लिए चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उनके बाद में प्राचीन भैर नाम के राजा हुए, उन्होंने इतने यज्ञ किए कि कुसाओं से पृथ्वी को पाट दिया। एक दिन उनके यज्ञ में श्री नारद जी आते हैं। श्री नारायण 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 Yeah.
कहते हैं कि संसार में मेरे समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। मैं कहता हूं कि संसार में तुम्हारे समान कोई पापी नहीं है। राजा प्राचीन वैर ने कहा, देवर्षि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं और अनेकों पशुओं की बलि दी है। देवर्षि नारद ने कहा, राजन क्या पाप करने से पुण्य होता है, किसी की हत्या करने से पुण्य होता है? तुमने संसार में कितने पशुओं की बलि दी है? हे राजन, आप ये बताएं, क्या पशु तुम्हारी प्रजा नहीं? हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि सबकी रक्षा करें? जीने का सबका अधिकार नहीं? तो मैं इन जीवों को मारा है ना, इनके पुत्र भी होंगे, माता पिता भी होंगे, पत्नियां भी होंगी, परिवार भी होंगे, सबके दर्द होता है, सब प्रेम करते हैं, सब जीना चाहते हैं, इन पशुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नारद जी ने कहा, राजन ऊपर को दृष्टि उठाओ, जितने जीवों की बलि दी गई थी वो आसमान में सब भ्रमण कर रहे थे। प्राचीन भैर ने देखा, सब जीव कह रहे थे, हे राजन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें पता है मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर के आया, अपनी पत्नी को छोड़कर के आया, अपने माता पिताओं को छोड़कर के आया, मैं अपने परिवार से माता पिताओं से कितना प्रेम करता था और आपने हमें जबरदस्ती पकड़वा करके और मार डाला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अपने भले के लिए तुम दूसरों का बुरा करते हो, अपने भले के लिए दूसरों का बुरा करते हो तो कभी किसी का भला नहीं होता। पाप करके कभी कोई पुण्य कमाना चाहे तो पुण्य नहीं होता,
पापी न जायति व्याधि, पापी न जायति जना, पापी न जायति दैन्यम दुखम शोकम मा भयंकर। पाप दुख को जन्म देता है, कष्ट को जन्म देता है, पाप व्याधि को जन्म देता है, बहुत बड़ा शोक को जन्म देता है। हे राजन, हम इसका बदला जरूर लेंगे। राजा ने देखा, राजा घबरा गया। देवर्षि नारद कहने लगे, देवर्षि ये तो मुझसे भूल हुई, मैं सोच रहा था कि पुण्य कर रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हरेक के जीवन में जीने की कुछ आशाएं होती है, कछु मनोकामना होती है। अगर किसी को मार दिया जाए तो उसकी आशाओं पर पानी पड़ जाता है, उसकी मनोकामना सब धरी की धरी रह जाती है। संसार में सभी जीवों का जीने का अधिकार है, सब अपने अपनों से प्रेम करते हैं। ये मुझसे बड़ी भूल हुई। नारद जी से कहने लगे, प्रभु इनसे उद्धार कराओ किसी भी तरह से, ये तो मैं गलत फंस गया, मेरे हाथों से अनेकों जीवों की हत्या हुई, अब मैं क्या करूं। नारद जी कहने लगे, पापों से मुक्ति पाने का तो केवल एक ही है, भगवान का भजन करना। कहने लगे, हे मन हर गुण गाय ले, बावरिया तेरी थोड़ी सी ओ मरिया। मानव तन यन मोल मिला है, तूने माटी मोल किया है, हरि तन धन कोई सब कुछ समझ लिया, तेरी थोड़ी सी ओ मरिया।
करे के पाप कपट छल माया, करे के पाप कपट छल माया, काम क्रोध मद मोह में माया, काम क्रोध मद मोह में माया। आए तेरे अंत फजीत होए भैया, तेरी थोड़ी सी ओ मरिया, आए तेरे अंत फजीत होए भैया, तेरी थोड़ी सी ओ मरिया। हे मन राजन, प्राचित भगवान की भक्ति है, उन्होंने राज्य दिया। नारद जी ने कहा, प्राचीन वैद्य, भगवान का भजन करना सर्वोपरि है और मनुष्य जो सोचता है, जिसमें मन लग जाता है, बस जीव उसी को प्राप्त हो जाता है। मन एवं मनुष्य आराम कारण बंध मोक्ष, मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष में केवल मन ही कारण बनता है। मन चाहे तो मोक्ष हो जाए, मन चाहे तो बंधन में पड़ जाए। मोक्ष विषय वैरस्यम बंध विषय कोरसे तावदेव विज्ञानम यचे तदे दता करो। विषयों से ब्रस होना यही मोक्ष है, विषयों का रस लेना यही बंधन है।
अंत मति सो गति, जहां जीव की आशा वही जीव का वासा। अंत में तुम भगवान में मन लगाओगे तो तुम सबसे मुक्ति हो जाओगे। राजा ने कहा ऐसा ऐसा कैसे होता है, संसार में जीव तो एक है, जिस योनि में उसका मन चला जाता है उसी योनि में वो जन्म ले लेता है। जीव में कोई भेदभाव नहीं, स्त्री में मन लग गया तो स्त्री बन जाएगा, पुरुष में मन लग गया तो पुरुष बन जाएगा। इस योनि में अंत समय पे ध्यान चला गया उसी को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन बहन ने नारद जी से प्रार्थना की, नारद जी ने कहा एक ऐसा पुरंजन और पुरंजनी का इतिहास आता है। पुरंजन ये जीव है, वो संसार में आकर के भ्रमण करता है, देखता है नगरों को महलों को, और सभी नगरों को देखा महलों को देखा, एक सुंदर नगर उनके पसंद आया, उसमें जाकर के सभी सुविधाएं थी, उस नगर में नव द्वार थे। जीव इस दुनिया में आता है, ये नौ द्वार वाला नगर ये मनुष्य का तन नहीं है, इसमें पांच जो प्राण है पांच नाग हैं, एक यो माया है उनकी स्वामिनी है, इस शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री को देखा पुरंजन ने कहा आप कौन है, उसने कहा आप कौन है। राजा ने कहा कि मैं पुरंजन हूं, तो उसने कहा तो मैं पुरंजनी हूं। दोनों आपस में रहने लगे, विवाह हुआ, उनके अनेकों संतान हुए। उस नगरी की वो रक्षा करने लगे। जरा नाम की स्त्री एक कालकन्या है, चंडवेग नाम का एक गंधर्व है, 360 गंधर्व 360 उनकी गंधर्व यहां, ये दिन और रात है। उस शरीर रूपी नगर पर वो आक्रमण करती हैं, धीरे धीरे आक्रमण करके उस शरीर को लूट लेती हैं, उस नगर को लूट लेती हैं। धीरे धीरे आदमी को वो जरा कन्या और दिन गंधर्व रात्रि गंधर्विया ऐसे आक्रमण करती है, धीरे धीरे मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, और एक दिन उस शरीर पर ऐसी चढ़ाई करते हैं कि उससे उस जीव रूपी पुरंजन को निकलना पड़ता है। उसे उसकी पत्नी रोती है और वो मरते समय अपनी पत्नी का ध्यान करता है, मेरे बिना कैसी रहेगी क्या करेगी। दोनों का पति का ध्यान पत्नी में, पत्नी का ध्यान पति में, तो आगे दूसरे जन्म में जो पति था वो स्त्री बन गया और जो पत्नी थी वो पुरुष बन गया, मलयध्वज नाम राजकुमार हुआ। संयोग बस फिर दोनों का विवाह हुआ। एक दिन जंगल में गए, पति खत्म हो गया, अब वो सती होने को जा रही थी। उस जीव का एक दोस्त रहता है, उस पुरंजन का एक अभिज्ञ।